Okay, so welcome to the second part of the lecture. इससे पहले हमने जो basic Java programming से related concepts और terminologies और चीज़ें थी वो हमने देख ली. And now it's time to start advanced part of the programming. ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो Java की हम कवर कर रहे हैं आप लोग के लिए ज़रूरी है इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इन एंड्रॉयड. ठीक है, तो इसलिए ये एक बेसिक सा कोर्स डिज़ाइन किया गया है. ये तो आई मीन कोर्स का मतलब ये दो लेक्चर्स कि आपको जावा का नो हाउ हो जाए, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं इसके डेप्थ में हम जा सकते हैं. मतलब वी कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कोशिश की गई कि कवर की जाए इस लेक्चर में. ठीक है, सो वन ऑफ देम इज़ स्विंग कंपोनेंट. सो स्विंग कंपोनेंट क्या चीज़ है? इज प्रॉब्ली द मोस्ट एक्साइटिंग वर्जन सिंस द स्विंग पैकेज ऑफर्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अच्छा, जावा के लिए जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो नॉर्मली स्विंग कंपोनेंट ही करता है. तो ये भी आप टर्मिनल के ऊपर कर रहे थे, आप इसको यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि आप अपने उस प्रोग्राम का जो आपने बनाया उसका GUI आप बना सकते हैं, और थ्रू GUI यू कैन इंटरेक्ट विद दी यूज़र ऑफ द प्रोग्राम यू हैव डिज़ाइन. सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट है और क्या क्या चीज़ें स्विंग के अंदर हो सकती हैं. ओके, सो इसको कॉपी करके एडिटर में पेस्ट करते हैं, फिर चलाते हैं, फिर इसको समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है. तो वो पूरे का पूरा कोड कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया है और इट्स फिर उसको रन करें फिर समझिए ताकि उसका आउटपुट आप देख सकें. ठीक है, तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस. फिर इसको कंपाइल कर दिया है, सीम्स नो एरर, इसको रन कर दिया है. ठीक है, तो इसका आउटपुट GUI में नज़र आ रहा है, तो उसको लेट से डिस्प्ले करवा देते हैं. अच्छा, तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो ये वाली जो विंडो है आपके सामने आ जाएगी. सो ये आपसे पूछ रहा है कि आप फर्स्ट नंबर एंटर कर दें. सो लेट्स एंटर दिस नंबर इज 10, देन यू पुट ओके. ठीक है, इसके बाद आपको नजर आ रहा है कि अब सेकंड नंबर आपसे मांगा जा रहा है तो मैं 20 ओके. थर्ड नंबर आपसे मांगा जा रहा है तो 30 ओके. और अच्छा, इसका एवरेज अभी आप लोगों को नज़र आ जाएगा. तो ये आपको नज़र आ रहा है कि मतलब दो नंबर हमने प्रोवाइड किए उसको ऐड करके आपको रिजल्ट दिया गया. अब रिज़ल्ट आपका टर्मिनल के ऊपर नहीं आ रहा, बल्कि ये जो जो आउटपुट है वो आपको GUI के ऊपर नज़र आ रहा है. ठीक है, इनपुट भी आपसे GUI के ऊपर ले लिया जा रहा है और आउटपुट भी. तो ये एक GUI कंपोनेंट ऐड कर देता है स्विंग कोरोना के साथ. ठीक है, सो दिस इज़ द स्विंग कंपोनेंट एंड दिस हाउ इट वर्क्स. तो चलिए अब समझते हैं इस कोड को, इस कोड के अंदर क्या हो रहा है. ओके, लेट्स हैव अ लुक. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन पे आपने स्विंग कंपोनेंट क्योंकि Java X के अंदर है उसको इम्पोर्ट करना है. ठीक है, और उसके अंदर जो कुछ भी है, सो दिस दिस जे ऑप्शन पेन इज़ इनसाइड दी स्विंग लाइब्रेरी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्विंग के साथ डॉट लगा के स्ट्रिंग लगा दिया है. ठीक है,
तो इसका मतलब है कि स्विंग के अंदर जो कुछ भी है मीन्स ऑल दिस टेरिक डज मीन ऑल, तो सब कुछ आपने जे ऑप्शन इज वन ऑफ दी मैथड्स इन साइड और यू कैन से ऑब्जेक्ट्स इन साइड द स्विंग। तो इस स्टेटमेंट से सब कुछ आ गया है। ओके ये आपने इंपोर्ट करना है इसके बाद क्लास का नेम, दैट नेम इज द सेम इज नेम ऑफ द फाइल, और फिर मेन फंक्शन है, फिर आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल टिक किया स्ट्रिंग टेम्प के नाम से, ठीक है। उस टेम्प पे आपने क्या किया, उस टेम्प पे आपने एक अच्छा जे ऑप्शन पिन क्या करता है, ये आपको ये डायलॉग बॉक्स जो है ये देता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने जे ऑप्शन पिन दैट दिस इज पार्ट ऑफ दिस इज एन ऑब्जेक्ट इन साइड स्विंग, उसके साथ आपने डॉट लगा के उसका एक मेथड कॉल किया जो कि शो इनपुट डायलॉग। तो आपने तीन किस्म के डायलॉग्स दो किस्म के डायलॉग जो है वो बॉक्सेस देखे, दो इनपुट के लिए थे और तीसरा जो था वो मैसेज के लिए था, ठीक है। तो ये हमने इनपुट करवाने के लिए हम कहेंगे शो इनपुट डायलॉग और उसमें मैसेज लिख दो फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो अगर आपको आप पीछे जाएँ और देखें कि जब हमने फर्स्ट टाइम इंटर किया था तो जो जो बॉक्स आया था, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर लिखा होता है फर्स्ट नंबर। अच्छा देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, तो इस दिस वन, तो ये इनपुट डायलॉग आप जाए देखें तो उसमें आपसे फर्स्ट नंबर मांगी है, तो ऊपर मैसेज में फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ऑलरेडी डायलॉग में डायलॉग जो उसका इनपुट क्या कहते हैं इनपुट फील्ड है उसमें पहले से कुछ ना कुछ लिखा हो, स्लो में लिखा होता है ना पासवर्ड, नीचे थोड़ा सा लाइट कलर में पासवर्ड लिखा होता है और ऊपर में आईडी में ईमेल आईडी की होती है, तो अगर वो करना चाहते हैं तो फिर आप इस नल की जगह वो स्टेटमेंट डाल दें क्योंकि आप चाहते हैं कि पहले से उस बॉक्स में मौजूद, नहीं तो फिर बॉक्स जो है वो एम्प्टी होगा। ये दूसरा इनपुट डायलॉग बॉक्स है गए नल, तो ठीक है आपसे मांगे करें उसमें सेकेंड नेम एड कर दें, ठीक है, सेकेंड नंबर पे थर्ड नंबर। ओके फिर आपने करना क्या है कि आपने ये आता है जो कुछ इनपुट किया जाता है इस डायलॉग बॉक्स में वो स्ट्रिंग में होता है, ठीक है। तो अगर आप इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं देन यू नीड टू कन्वर्ट इट आर कास्ट इट टू डिज़ायरेबल डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने उसको अच्छा ये पार्सिंग है या ये कास्टिंग है कि हमने उस टेम को इंट में कन्वर्ट करके ए में डाल दिया है, दूसरे को बी कन्वर्ट करके बी में डाल दिया, तीसरे को सी में डाल दिया। अब हमने तीनों को ऐड करके डिवाइड किया थ्री के ऊपर, जिसका मतलब कि ये एवरेज आ गया है, और एवरेज को हमने इनपुट अब इनपुट डायलॉग में नहीं प्रिंट करवाना, ठीक है, वो प्रिंट के लिए नहीं, वो डाटा इनपुट के लिए। अब हम एक मैसेज के मैसेज वाले बॉक्स में उसको शो करवाना चाहते हैं, इसलिए हमने शो मैसेज डायलॉग वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो शो करवा दिया। तो आपको नज़र आ रहा था कि जैसे ही आप तीनों को ऐड कर तीनों को तीनों वैल्यू इंटर कर देते हैं और एंड वाले को इंटर करने के बाद आप जैसे ही इंटर दबा देते हैं वैल्यू इंटर करने के बाद, तो सामने मैसेज वाला डायलॉग बॉक्स आ जाता है और उसमें एवरेज लिखा होता है। सो दिस इज़ हाउ स्विंग कंपोनेंट ऑफ द जावा लैंग्वेज वर्क्स, ठीक है। ओके अब आते हैं देखते हैं कि इससे आगे क्या है, ठीक है, ये सारी बातें तो लिखी हुई है जो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। फिर आगे एक और चीज़ है एक्सेप्शंस। सो दो तरह की चीज़ें होती है, को एरर कहते हैं को एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। सो एक्सेप्शन इज़ यू कैन से इट इज़ काइंड ऑफ एरर, इट इज़ बेसिकली एरर, लेकिन जब एरर आता है तो डायरेक्ट वो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, तो दैट इज़ एरर। और एक्सेप्शन में ये होता है कि न सिर्फ प्रोग्राम आपका टर्मिनेट तो हो जाता है लेकिन आपको एक मैसेज भी दिखा दिया जाता है, ठीक है। सो एक्सेप्शन इज़ अ बिट मोर देन एरर, एरर जब आता है तो प्रोग्राम ख़त्म, कोई आपको मैसेज नहीं, कोई आपको पता नहीं, ठीक है, लेकिन वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट थी उसको टर्मिनेट करके आपको मैसेज डिस्प्ले करवाना कि कौन सा एरर क्या एरर आता, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये जो एरर के बाद मतलब एरर के बाद
थोड़ी सी प्रोसेसिंग है, वर्किंग है, ये एरर और ये मिला के इसको एक्सप्लेन कहते हैं। ठीक है, व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज डिस्टर्बड एंड द प्रोग्राम एप्लीकेशन टर्मिनेट्स एबनॉर्मली विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, देयरफॉर दिस एक्सेप्शन आर नॉट हाउ टू बी हैंडल्ड। इसलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं ताकि ये जो एरर आए तो फिर क्या किया जाए। एक्सेप्शन बहुत सारी वजूहत की वजह से आ सकता है, सम ऑफ देम आर मेंशन्ड हियर। ठीक है, अ यूजर हैज एंटर्ड इनवैलिड डेटा, दिस इज वन रीजन ऑफ द एक्सेप्शन। अ फाइल दैट नीड्स टू बी ओपन कैन नॉट बी फाउंड, अ नेटवर्क कनेक्शन हैज बीन लॉस्ट इन द मिडल ऑफ कम्युनिकेशन, आर द JVM जावा वर्चुअल मशीन हैज रन आउट ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे अच्छा जावा .io के अंदर आप चले जाएँ या जावा के अंदर जाके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू पुट दिस थ्रो स्टेटमेंट एट द स्टार्ट ऑफ दिस मेन फंक्शन। ठीक है, बाकी ये खुद हैंडल कर देता है। ये अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपका प्रोग्राम जावा चलने नहीं देगा कि लेट्स अगर आप कोई फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की हुई तो जब आपको प्रोग्राम रन करने नहीं देखा, वो कहेगा कि पहले आप चूँकि यहाँ फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं, ठीक है, फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि जिस फाइल से आप रीड कर रहे हैं वो फाइल जो है वो फाउंड ही ना हो या वो आपको मिले ही ना। ठीक है, तो ये एरर आएगा और एरर तो या एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन को आपने हैंडल करना, अदरवाइज जब आपको नहीं चलाने देगा ये प्रोग्राम। ओके, सो ये थ्रो की स्टेटमेंट लगा लेते हैं। ठीक है, थ्रो की स्टेटमेंट लगा लेते हैं मेन से आगे ताकि उस एक्सेप्शन को हैंडल किया जाए। ये अभी आप लोगों में कॉपी करके इधर पेस्ट करके चला देता हूँ तो आइडिया हो जाएगा। सो नो यस, सो दिस शुड बी फर्स्ट जावा। ठीक है, और इस तरह देखिए इधर क्या हो रहा है, इधर ठीक है, तो इस कोड को मैं इधर पेस्ट कर दिया सारे का सारा कोड। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन रिक्वायर्ड है, तो हम कहीं इनपुट डेटा तो नहीं करवा रहे। अच्छा, लेट्स सी, हाँ ये देखिए ये करवा रहे। सो दिस इज अनदर वे टू गेट, एक तो हमने इसके अंदर देखा था ना यूजर से इनपुट करवाना, दिस इज अनदर वे सिस्टम डॉट इन डॉट रीड, तो इससे भी आप इनपुट करवा सकते हैं यूजर से। तो स्कैनर के लिए अल्टरनेटिव जो है वो ये है, स्कैनर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ऐसे करके भी डेटा इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, सो सिंस आप यहाँ पे इनपुट करवा दे से तो यूज़र इनपुट में कोई भी नंबर दे सकता है, कोई मतलब जब भी आप यूज़र इनपुट करवाए तो यूज़र गलती कर सकता है, तो उस गलती को हैंडल करने के लिए आपने थ्रोस जावा डॉट आई ओ डॉट आई ओ एक्सेप्शन, ये आपने ये थ्रोस दीजिए की वर्ड और आगे ये एक्सेप्शन है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको एरर आएगा और आप आगे नहीं जा सकेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो पहले देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या होता है, फिर ये हटाते हैं देखते हैं कि इसका क्या असर होता है। सी, ये एक एक प्रोग्राम है जिसमें एक करेक्टर वेरिएबल सी एच है और एक आंसर के एक करेक्टर उसमें डाला हुआ है। ठीक है, ये हमने प्रिंट किया कि I am thinking of a letter between A and Z. ठीक है, can you guess that? Guess it, मैं कोई नंबर सोच रहा हूँ, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने K लिखा हुआ है इधर, और मैं यूजर से इनपुट करवा रहा हूँ कि वो प्रोग्राम दोबारा चलाएँ, इनपुट दें, फिर चलाएँ, इनपुट दें, फिर चलाएँ, इनपुट दें, ताकि वो गेस करें ये नंबर। ठीक है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ गेम, इस एग्जाम्पल के तौर पर मैंने डाला हुआ है।
अच्छा यहाँ आप इंटर करवा रहे हैं यूज़र से एक नंबर, यूज़र से एक करेक्टर, ठीक है। तो जो से भी नंबर होगा उधर से जो आएगा, ठीक है, उसको करेक्टर में कन्वर्ट करके CH में डाला जा रहा है। सो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ कास्टिंग। एक तो आपने पार्सेंट लिखी है ना, एक ये भी है कि आप स्टार्ट में एंड लिख दे या करेक्टर लिख दे तो वो जो भी नंबर आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओके ठीक है, फिर आपने वो करेक्टर देखना है कि वो जो मैंने आंसर रखा हुआ है ऊपर उसके इक्वल है कि, तो आप उसे कि आपने राइट गेस किया, नहीं है तो प्रोग्राम ख़त्म करो, उसके आपने रॉन्ग गेस किया हुआ। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं और एक्सेप्शन के साथ और एक्सेप्शन के बाहर देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। पहले हम स्क्रीन प्ले कर दें, अब हम चलेंगे कंपाइल और इसके बाद तो देखिए वो कहता है कि आप मैं कोई लेटर सोच रहा हूँ, आप बताएं कि कौन सा लेटर। मैंने कहा जे, उसे कहा नो। फिर मैंने दोबारा इसको चलाया, मैंने कहा के, ये स्माल के ओके देखे बट ठीक है। तो अब इंटर कर दिया तो क्या, हाँ यू आर राइट। ठीक है, तो ये प्रोग्राम। अच्छा अब मैं इस इधर से हटा देता हूँ ये एक्सेप्शन, तो थ्रो एक्सेप्शन स्टेटमेंट देखता हूँ इधर क्या होता है। सो लेट्स से ये मैंने हटा दिया, इसको सेव किया, अब इसको कंपाइल और चलाते हैं। तो कंपाइल अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कार्ड और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है वो आपने पहले उसको हैंडल करना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है, जहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, जहाँ पे एरर जो पॉसिबिलिटीज आपको आपको मैंने इधर दिखाई थी, जहाँ जहाँ पे ये काम होते हैं हो सकते हैं वहाँ पे आपने एक्सेप्शन ये चार काम। मेमोरी जहाँ पे लेट्स से अरे आप यूज़ कर रहे हैं तो अरे आउट ऑफ बाउंड के एक्सेप्शन है। यूज़र्स जहाँ से आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वो, और जहाँ फाइल नॉट फाउंड वाली एक्सेप्शन है कि जहाँ पर आप फाइल से डेटा रीड राइट कर रहे हैं वहाँ पे भी आपने वो पर्टिकुलर एक्सेप्शंस देखने और हैंडल करने। अच्छा जी, अब एक और चीज़ देखते हैं, इफ एल्स तो हमने देखा था ना, तो इफ एल्स का एक और भी फॉर्म है, ठीक है, इसको टर्नरी कहते हैं। तो वो कैसे, एक एक्सप्रेशन, अगर ये एक्सप्रेशन टू है तो ये काम होगा, अगर ये टू नहीं है तो पर ये काम होगा। तो ये अनदर वे ऑफ इफ एल्स। देखें अगर ओके देखें ये वैल्यू है ना, ठीक है, दिस इज ओके, दिस इज अ वैल्यू। अच्छा देखें और देखें थोड़ी सी मिस्टेक की तरह, ये वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, यही वेरिएबल है, ठीक है। तो ये दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द लेक्चर, आई मीन दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एक वेरिएबल होगा जिसके सामने असाइनमेंट के साइन होंगे। अगर एक अनदर वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो से लेस है, ठीक है, तो फिर ये चीज़ असाइन होगी इस एब्सोल्यूट वैल्यू को इस वेरिएबल में। मैं इसको जनरिक बना दूँ, अगर ये इधर जो आपको ओके शुरू में एक वेरिएबल होगा, उसके बाद असाइनमेंट स्टेटमेंट, उसके बाद एक कंडीशन होगी, ठीक है, या आप कह सकते हैं बूलियन एक्सप्रेशन होगा। अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू है, उसका रिजल्ट ट्रू है, तो क्या होगा, फिर इधर जो वैल्यू होगी वो असाइन होगी इसको, ठीक है। और अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है
तो फिर ये नहीं, ये वैल्यू असाइन होगी इसको। सो ये काइंड ऑफ एफ एल्स, ये काम आप एफ एल से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसकी एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है कि ये एक प्रोग्राम है जिसमें इस प्रोग्राम को लेट से उधर रन कर लेते हैं, तो इसको समझाना फिर आसान हो जाएगा। कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। इसका नेम चेंज किया, ठीक है, और ठीक है। अच्छा, इसको एक वेरिएबल इसमें डिक्लेयर किया रिजल्ट, और i को 5-5 से साइन करके ये इसमें वैल्यू ऐड होगी तो ये -4 हो जाएगा, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 1 फिर 0, फिर 1, 2, 3, ये 5 तक जाएगा। तो दिस इज़ फ्रॉम -5 टिल 5। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अगर आ रिजल्ट अगर i की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, अगर i की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, मैं वो 0 स्किप करना चाहता हूँ बीच में से, तो आप क्या करें, आपने इस रिजल्ट में डालना है 0 डिवाइड बाई i, 0 को i से डिवाइड करके रिजल्ट में डालना है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, मतलब i 0 है, तो फिर क्या होगा, फिर आपने सिंपली रिजल्ट में 0 डालना है। फिर ये एक्सप्रेशन क्योंकि इन इससे इन्फिनिटी आएगी, तो फिर आपने ये नहीं डालना बल्कि 0 डालना है। तो ये काइंड ऑफ एफ एल्स की इधर एक दूसरी एग्जांपल है। मतलब यह मैं समझ सकता हूँ, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो फिर ये वाला काम किया करो, एल्स रिजल्ट इज इक्वल टू 0 किया करो। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू 0 कह दो कि हाँ, जब अगर 0 होगा तो फिर तो 0 रिजल्ट आएगा ना, अगर 0 नहीं होगा तो फिर आप 100 को i पे जो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आप डिस्प्ले किया करें। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, और यू कैन से डिफरेंट फॉर्म ऑफ एफ एल्स स्टेटमेंट्स। सो लेट्स रन दिस एंड सी व्हाट इज द आउटपुट। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ से कंपाइल करते हैं। लेट्स रन इट। तो देखिए 100 डिवाइड बाय -5 -20 -20, ओके ज़बरदस्त। हाँ, जो 0 वाला था वो इसलिए प्रिंट नहीं हुआ कि हमने ये कंडीशन लगाई है, दोबारा दिखा दूँ, हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है अगर 0 की इक्वल ना हो तब प्रिंटिंग करो। ठीक है, तो अगर हम ये हटा दें तो फिर वो 0 वाला ही प्रिंट करेगा, लेकिन वो 0 उसमें उसके अंदर 0 ही आएगा। ठीक है, उसके अंदर इन्फिनिटी। लेट्स मॉडिफाई दिस। सो ये कंडीशन हटा देते हैं, देयर इज नो नीड टू सेव, सी व्हाट हैपेंस। Let's compile it again. Okay, there is, I think, an extra bracket. One. Okay, there is a bracket. And there is no need of this bracket either. No. Okay. तो ये लूप के अंदर है, ये इसका और इसका वाटर डन। आप चेक करते हैं क्या होता है। कंपाइल, ठीक है,
तो शुड बी इनसाइड ऑफ लूप। और ये लूप हो गया, ये इसके लिए हो गया, शुड वर्क नाउ। व्हाट वाज द प्रीवियस एरर, लेट्स सी। कैन आई फाइंड सम आंसर आई थिंक। ओह अच्छा, आई हम इस लूप से बाहर आ, नाउ नाउ इट विल वर्क प्रॉपरली। So compile, yes, it works okay. और देखिए वो जीरो भी आ गया, लेकिन अगर हम ये कंडीशन ना लगाते तो 100 डिवाइड बाय जीरो इज इन्फिनिट। हाँ इट इज जीरो बिकॉज वी हैव सेट अ कंडीशन ओवर हियर। जब आई जीरो की इक्वल ना हो तब आप ये किया करो, लेकिन अगर जीरो फिर ये भी जरूरी नहीं है, फिर ये रिक्वायर्ड नहीं है, फिर आप इसमें जीरो डाल दो। सो दिस वाज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड दिस इज अनदर काइंड ऑफ इफ एल्स। ठीक है ओके, इसके बाद यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं कि फंक्शंस और क्लासेस कैसे यूज होती हैं जावा में।